हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पूजा ब्लॉग में। आज हम बनाएंगे चावल के आटे का सैंडविच नए नाश्ते में। चलिए दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। उबले हुए आलू हैं, आलू को हम बना लेते हैं। इसे फोड़ के रख लेंगे। पहले इसमें ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए गाइस, आलू रेडी हो चुका है। आप इसमें आप हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। पानी थोड़ा गुनगुना कर लेते हैं चावल के आटे को सानने के लिए। ठीक है, एक चावल का आटा लिए हैं। इसमें डालेंगे नमक और भुना हुआ जीरा। ये डाला नमक, और ये भुना हुआ जीरा जो हमने कूट लिया था। अब ये गुनगुने पानी से गूथेंगे। हमारा आटा रेडी है। देखिए गाइस, ये हमने आटे को गोल लोई काट लिया, जैसे रोटी बेलते वैसे बेल लेंगे। किनारे का हम निकाल लेंगे काट के। अब इसमें से हम कटिंग करेंगे। इसमें से दो ब्लॉक करेंगे। इस पे आलू लगाएंगे, फिर इस पे ऐसे रख के ऐसे दाब देंगे। देखिए हमने बना के रखा है, सभी को ऐसे ही करेंगे। देखो गाइस, गैस पे हमने पानी रख दिया भगोने में। इसके ऊपर छन्नी रखेंगे। अब इसके ऊपर ये सारे रखेंगे। देखिए हमने बना लिया था, अब इसे रखेंगे इसी के ऊपर भाप लगाने के लिए। सारे को भाप लगा लेंगे, ऐसे ही ढक देते हैं। गैस भाप लग चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। ये हो चुका है, देखिए ये हो चुका है। देखिए गाइस हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। इधर हम तेल डाल लेंगे थोड़ा सा। देखिए गाइस, ये जो हमने उबाला था अब ये रेडी हो चुका है। इसे हम छान में लेंगे। देखिए गाइस, इसे हम तल के निकालेंगे। देखिए गाइस, हम तल चुके हैं, इसे निकालेंगे। देखिए गाइस कैसा लगा हमारा रेसिपी। अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।